हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ईयर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले क्रिएट पे चलते हैं, ठीक है। अगर बात करें हैं कि स्टार्टिंग ईयर है और एंडिंग ईयर है, तो दो ईयर्स के बीच में कितने ईयर्स हुए मिला करके, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल पे क्लिक किया हमने और यहाँ पर व्यू पर जाके क्लिक करेंगे। ये टेबल वन ही से नाम रहने देता हूं मैं। यहाँ पर आईडी आ रही है और यहाँ पर ऑटो नंबर ही रखते हैं और यहाँ पे करते हैं स्टार्टिंग डेट, ठीक है। ये हो गया स्टार्टिंग डेट और इसे रखेंगे डेट एंड टाइम डेटा टाइप। यहां से आप डेट एंड टाइम डेटा टाइप रख लीजिए और फिर यहां पे एंडिंग डेट करता हूं, एंडिंग डेट, ठीक है। तो अभी एक स्टार्टिंग डेट होगी और एक एंडिंग डेट होगी और इसे भी डेट एंड टाइम डेटा टाइप रख करके और यहां से व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू पर क्लिक करने के बाद ऐसा इस तरह से आएगा ये। अब यहां पर क्या करना है हमें, अब डायरेक्टली चलिए क्वेरी बनाते हैं। तो यहां क्रिएट पे चलते हैं और फिर आ जाते हैं क्वेरी डिजाइन पर और ये टेबल वन को ऐड करा लेते हैं और इसकी सारी फील्ड्स, चलिए हमें दो ही चाहिए, हम दो ही ऐड करेंगे, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, ठीक है। और यहां पर हम अब कैलकुलेट करेंगे ईयर, क्या कैलकुलेट करना है हमें, ईयर कैलकुलेट करना है। तो ईयर लिखा हमने यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है, हमें करना क्या है, डेट डिफ लगाना है फॉर्मूला। तो ये लगाया हमने डेट डिफ, डेट के बीच में कितना डिफरेंस है ये फॉर्मूला हमें ये बताता है। कीवर्ड क्या लिखना है, कीवर्ड आपको लिखना है वाई 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 और वाई, बस यही कीवर्ड लिखना है, कॉमा देना है। अब यहां पे देना है स्टार्टिंग डेट, स्टार्टिंग डेट ये दे दिया हमने और क्लोज किया इसको, ठीक है, कॉमा दिया। यहां पे क्या करेंगे, एंडिंग डेट देंगे। तो यहां पे लिखा है एंडिंग डेट, ठीक है। तो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट और इसको क्लोज करके और यहां से ओके प्रेस कर दिया हमने और यहां से रन पे कर दिया क्लिक। तो जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे ये प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। और अब यहां पर स्टार्टिंग डेट देना है तो यहां से चूज करता हूं और जैसे मान लीजिए यहां पे ई है और यहां पे ईयर चेंज कर देता हूं। यहां से जो ईयर दिख रहा है 2021 इसे मैं कर देता हूं 2019, ठीक है। और यहां पर एंडिंग डेट की बात कर लेते हैं तो यहां पर अब मान लीजिए कि 2021 कर देता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं कि 2019-20-21 दो साल का अंतर है। फिर यहां पर अगर मैं लेता हूं और यहां पर 21 तारीख करता हूं, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां पे 2017 कर देता हूं और यहां पर क्या करता हूं, यहां पे करता हूं 2021, ठीक है। तो यहां पे 2021 कर दिया। अब यहां पे देख सकते हैं चार ईयर का अंतर आ रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आप ईयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।